नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी हमारे फैमिली मेंबर हो, आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। आज मैं एक्सपीरियंस लेके आई हूँ मेरी बड़ी बहन का। वैसे तो जो न्यू डाइट सिस्टम करते हैं उनको वैसे कोई बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी इंसिडेंस बन जाता है, कुदरत के सामने हमें झुकना पड़ता है। जैसे कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ऐसी चीज है कि हम नहीं चाह के भी कभी कभी हो जाता है, तो उसमें हमें जो दर्द सहना पड़ता है वो तो सहना ही पड़ता है, लेकिन वो दर्द जो है वो 6 महीने चलेगा या 1 साल चलेगा वो हमारे हाथ में है कि वो 6 महीने है वो कैसे पसार करने हैं। तो आज हमारे साथ मीटिंग पे उपस्थित है मेरी बड़ी बहन जिनका नाम है नेहा बेन। नेहा बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप? बहुत अच्छी जी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके सामने प्रोटेक्ट करने के लिए कैल्शियम से भरपूर आपके लिए मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। थैंक यू। तो 4 महीने पहले की बात है कि मेरी बड़ी बहन जो ऑफिस से घर आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गए, पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी से रिकवरी ले ली। तो 2 महीने के बाद फिर से ऐसा हुआ कि बाथरूम में लिपस के गिर गए और वो गिर गए तो फिर से उनके पाँव में बहुत गहरी चोट आ गई। तो पूरे ये जो जर्नी है वो बात को आज 4 महीने हुए हैं। आज वो अपने आप चल भी सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया था तब ऐसा बोला था कि 6 महीने तक टोटली बेड रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये 4 महीने की जर्नी उन्होंने कैसे अपने आप को हैंडल किया और कैसे अपने आप को क्योर किया। तो जो भी पेशेंट को जब भी कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए या लिगामेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये जो अनुभव है वो बहुत ही काम में आएगा। तो नेहा बेन, आपने जो 4 महीने आपने बहुत दर्द झेला है उसके लिए तो ईश्वर का हम शुक्रिया बोलेंगे कि भाई इन्होंने जल्दी से रिकवर कर दिया है। तो आपका ये जो 4 महीने की जर्नी है वो कैसी रही? नमस्कार डॉक्टर झरना और मेरी छोटी सिस्टर जी। जो 4 महीने पहले सबसे पहले जो एक्सीडेंट हुआ, तो जो मॉर्निंग में एक्सीडेंट हुआ तो मॉर्निंग में जैसे हम एनडीएस में फास्ट रखते हैं वैसे ही मेरा फास्ट ही था, कुछ भी पिया नहीं था और मुझे लगा कि मुझे मेरे फ्रैक्चर हो गया है। तो डॉक्टर से मिलने से पहले और मिलने के बाद तक मैंने पूरा दिन पानी भी नहीं पिया था और मैंने दुखावे की कोई गोली भी नहीं ली थी। तो वो जो मेरा हीलिंग था वो पूरा दिन का, मतलब कि डॉक्टर से मिलने के तक का वहां पे हो गया था। तो मतलब कि हीलिंग चालू हो गया था और वो हीलिंग इतना हो गया था कि मुझे कोई भी पेन किलर टेबलेट लेनी नहीं पड़ी थी जी। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स कराने पड़े, एक्सरे वगैरह वो देखा तो बोला कि राइट नी के नीचे का जो बोन होता है उसमें फ्रैक्चर है, तो प्लास्टर आएगा। तो प्लास्टर के बदले में अभी जो टेक्निक नई आती रहती है तो उसमें उन्होंने मुझे जो ब्रेस आता है वो लगाने का बोला और बोला कि 2-3 महीने तक आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है और मैंने आपका मतलब कि सगराई लिया कि मेरा ऐसा फ्रैक्चर हो गया है तो मैं कैसे एनडीएस से इसको जल्दी से रिकवर कर सकूं। तो फिर वैसे तो मुझे सब पता ही है, लेकिन मुझे कोई भी कैल्शियम की टेबलेट लेनी नहीं पड़ी और अभी जो मेरा मेनोपॉज में बोलते हैं कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होता है तो उसकी वजह से बोन है वो थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि रिकवरी कम आती है या ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो मेरे बोन में तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जी। और जो फ्रैक्चर हुआ उसका भी बिना कैल्शियम की टेबलेट के फास्ट रिकवर होना चालू हो गया, क्योंकि मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग का जो फास्ट होता है वो, और उसके बाद में जूस पीना और पूरा दिन खाना नहीं खाना, मतलब कि जो भी खाना हो वो कच्चा, मतलब कि सलाद, फ्रूट, वेजिटेबल वही खाना, उसके ऊपर मैंने 2 महीने में इतनी जल्दी रिकवरी ला दी कि डॉक्टर भी आश्चर्य में हो गए थे। और मैंने जो चल के दिखाया था तो उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया
कि आपका जो ये न्यूट्रिशन डाइट है वो मुझे मेरे और पेशेंट को भी बताना पड़ेगा कि इतनी जल्दी रिकवरी आती है, और उनका जो पेज है उसके ऊपर भी मेरा जो वीडियो था वो इतने 15 दिनों में मैं वॉकर से चल पाई थी, और उसके बाद में 1 महीने में मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा चल पाती थी, और मतलब कि ऐसे करके मेरे पूरे 2 महीनों में मैं चलने ही मतलब कि अपने पैर पे चलने लगी थी जी। और फिर से 2 महीने के अंदर जनवरी की 2 तारीख को ऐसा हुआ कि ऐसे रात को मैं बाथरूम गई तो पानी थोड़ा था तो उसके ऊपर मैं फिसल गई, तो फिर से मेरे वही पैर में चोट आई। उसमें मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ था, और वो जो फ्रैक्चर वाला बोन था उसके ऊपर भी कोई इंजरी नहीं आई थी जी। तो वो सबसे बड़ी मेरी अच्छी बात थी मेरे लिए। वैसे तो ऐसा होता है कि अभी हीलिंग आई है वो हाँ। जल्दी से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो जो हड्डी थी उसको तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरे कोई बोन भी फ्रैक्चर नहीं हुए थे, लेकिन जो मेरे इंजरी आई उसमें ऐसा हुआ कि जो ये पूरा पटेला बोन होता है, जो नी होता है जिसमें बड़ी उम्र में लोग नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, वो जो नी का ये ढक्कन होता है उसका डिस्प्लेस हो गया जी। और उसको जोड़ के जो रखते हैं वो मसल्स और जो टेंडन्स होते हैं वो पूरा ब्रेक हो गया था, तो उसकी वजह से वो नीचे गिर के मतलब कि थोड़ा ऐसे उतर आया जी। तो फिर मैं जब डॉक्टर के पास फिर से बताने के लिए गई तो डॉक्टर ने बोला वो सब रिपोर्ट करा के कि ऑपरेशन आएगा। तो मैं सुबह से भी वैसे ही वो पहले टाइम की तरह ही निर्जला थी, तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरे कोई पानी वानी कुछ भी नहीं लिया है जी। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन के वक्त ऑपरेशन के 8 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे फास्टिंग कराते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर ने तो ऑपरेशन के 24 आवर्स पहले पूरा का पूरा निर्जला करके फिर ऑपरेशन थिएटर में गए थे। तो डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि सब पेशेंट को तो बोलना पड़ता है कि पानी इतने बजे पीना बंद कर देना, लेकिन इन्होंने तो वैसे ही कह दिया कि मैं 24 आवर्स से मैंने कुछ भी खाया नहीं है, कुछ भी पिया नहीं है। तो इसकी वजह से ज्यादा हीलिंग होती है। वैसे मैं सभी पेशेंट को बताना चाहूंगी कि जो फ्रूट है, जो जूस है, जो सलाड है, वो तो हमारा भोजन है, लेकिन अगर आपको क्योर होना हो, अगर आपको वेट लॉस करना हो या तो फिर हीलिंग करनी हो, तो सबसे ज्यादा अच्छा है लंघनम परम औषधम, मतलब कि फास्टिंग करो, ड्राई फास्टिंग जितनी करोगे उतना जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिलेगा। वो चाहे आपका शरीर का कोई भी अंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो, वो कोई भी प्रॉब्लम में जल्दी से जल्दी हीलिंग आती है जी। फिर बताइए। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन में जाना पड़ेगा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो ट्रीटमेंट आती है वो तो हमें करनी ही पड़ेगी जी। तो वो दूसरी बार का भी जो ऐसा मेरा इंजरी हुआ उसमें भी मैं रात को गिर गई थी, तो मैं रात को एक पेन किलर लिया था जी। और वो जो मेरा अगले फ्रैक्चर वाला जो ब्रेस था वो मैंने पहन के रखा था, तो दूसरे दिन तक मैं मुझे कोई भी पेन किलर नहीं लेनी पड़ी थी जी। और डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छा है जी। और फिर ऑपरेशन मेरा हो गया, उसके बाद में जो रात को 10 बजे मेरा जो ऑपरेशन के बाद का जो टाइम था फास्टिंग ब्रेक करने का, तो उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू पानी लिया था और रात को फिर मैंने कुछ भी नहीं पिया था जी। तो और दूसरे दिन मुझे डिस्चार्ज देने वाले थे, तो दूसरे दिन भी मैंने वॉकर से चल के दिखाया था जी। पेन तो था लेकिन मैंने हिम्मत करके वो वॉकर से चल के दिखाया, तो बोले कि बहुत अच्छा है आपका, वो जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेस हो जाएगा ऐसे करके जी। वैसे तो जब भी फ्रैक्चर होता है या कुछ भी शरीर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो 15 दिन तक सुबह दोपहर शाम तीन टाइम पेन किलर लेनी पड़ती है, लेकिन पूरे 4 महीने में इन्होंने बिल्कुल कम से कम मतलब कि सिर्फ कम से कम 4 या 5 टेबलेट से इन्होंने पूरा जो अपना पेन है वो हील कर दिया। क्योंकि इसका कारण ये था कि इन्होंने 4 महीने से पकाया हुआ भोजन का बिल्कुल त्याग कर दिया है। कभी कभार उन्होंने सूप पिया होगा, वो भी सिर्फ डिनर में, लेकिन सुबह दोपहर शाम और रात मैक्सिमम निर्जला करते हैं, इससे भी ज्यादा जूस पे रहते हैं, और फिर भूख लगती है तो
फ्रूट पे और सलाड पे रहते हैं, तो जिसको भी कभी भी पूरी जिंदगी में हम प्रार्थना करेंगे पूरे ईश्वर को कि पूरे विश्व में किसी को कुछ भी ना हो, लेकिन अगर जब भी कुछ ऐसा हो जाता है तो इतनी सारी ढेर सारी पेन किलर या पेन कैल्शियम की टेबलेट लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप बनाना या फिर ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट्स पे जूस पे रहोगे और निर्जला पे ज्यादा से ज्यादा रहोगे तभी हीलिंग होगी। वैसे तो रेस्ट ही करना होता है, कहाँ घूमना कहाँ फिरना कुछ भी कहीं करना, काम वाम कुछ होता नहीं है। तो जितना रेस्ट करते हो तो पेट को भी रेस्ट कराओ। सुबह खाओगे पकाया हुआ, चाय पियोगे, दूध पियोगे, ये कुछ न कुछ पेट में जितना डालोगे उतना पेट जो है वो आपको परेशान करता रहता है। तो आपका जो पहली बार का फ्रैक्चर था वो भी डॉक्टर ऐसे हैरान रह गए कि भाई इतना जल्दी क्योर हो गया, अभी दूसरी बार का भी ये प्रॉब्लम आ गया उसमें भी आपने इतना क्योर कर दिया। दूसरी बात ये है कि पहली बार की जो फ्रैक्चर था उसका भी हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दूसरी बार का जो ऑपरेशन हुआ उसका भी मैं फोटो आपको दिखा देंगे, पहली बार ऑपरेशन करने के बाद जो चले वो भी मैं वीडियो आपको दिखा दूंगी, और अभी जितना भी सिर्फ एक दो महीना हुआ है ये इतना बड़ा ऑपरेशन का, तो उसका भी मैं आपको वीडियो बता दूंगी ताकि पता चले कि चार महीने की जो जर्नी है। वैसे तो ये 6-8 महीने तक चलना पड़ेगा, तो ये जो जॉब है वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के बाद जाने वाले थे, वो कम से कम 4 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर इन्होंने जॉब पे भी जाना अब स्टार्ट करने वाले हैं 1-2 दिन के बाद। तो आप जॉब जाओगे या फिर आप वहां पे ऑफिस में काम करोगे तो आप कैसे ये सब हैंडलिंग करोगे वो भी सबको बताइए। वैसे तो मेरे साथ में जो मेरे कलीग है जी, तो ऐसे कोई भी किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है और ऐसे सिक लीव से हाजिर होते हैं
तो फिर वो सब काम वाम सब संभाल लेते हैं, इतना कुछ करना नहीं आता है, लेकिन कि मेरा पैर का है तो मैं बैठे बैठे सब टेबल वर्क तो कर सकती हूँ। तो मैं तो कितने दिन से डॉक्टर साहब को बोल रही थी कि मुझे रजा से मतलब कि जॉब जाने के लिए छुट्टी दे दो, मगर वो मना कर रहे थे क्योंकि 2 महीने तो कंप्लीट मुझे रेस्ट करना ही था जी। तो ना बोले, और फिर अब 2 महीना होने को आ रहा है तो फिर मैंने फिर से बोला कि मुझे जॉब जाना है, अगर बाद में मुझे ऐसा ठीक नहीं लगेगा तो मैं फिर से रजा ले लूंगी, लेकिन अभी मुझे आप छुट्टी दे दो तो मैं मतलब कि जॉब जाने की रजा दे दो तो मैं जॉब पे जाऊं। तो वहां पे भी ऐसे मेरे सब साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जी। तो आपको जो ये हीलिंग हो गई, इतने स्पीड से रिकवरी हो गई, तो उसके लिए आपने कैल्शियम के लिए दूध या छाछ या दही या फिर चाय या कॉफी ये सब कुछ इंटेक किया था? नहीं नहीं, वो तो मैंने सब ऐसे जब से एनडीएस करते हैं तो वो तो सब बंद ही है, और जो हीलिंग के लिए कैल्शियम चाहिए वो तो जो अपने फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसी से मिल जाता है, और जो दूध है और दूध की प्रोडक्ट्स है उसमें से कोई भी कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं है, और वो जो एनडीएस में फॉलो करते हैं वैसे ही मैंने फॉलो किया है कि कोई भी मिल्क या मिल्क की प्रोडक्ट नहीं ली। टेबलेट कैल्शियम की हो या कोई भी विटामिन की मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो अपना डाइट है, जो हरा भरा डाइट बोलते हैं वो, या कच्चा डाइट बोलो या प्रकृति ने दिया है, माँ धरती माता ने दिया है, वो जो सब खाना है वही खाने से सब रिकवरी आ जाती है। मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस है तो मैं सब लोगों को बताती भी रहती हूँ, मेरे पूरे ग्रुप्स में और मेरे स्टाफ में सबको बताती रहती हूँ कि ये जो एनडीएस फॉलो करने से इतना फायदा होता है। तो 50 के बाद को सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम तो रहता ही है, तो सबको वीडियो भी फॉरवर्ड करती हूँ कि आप भी ये फॉरवर्ड मतलब कि वीडियो देखिए और उनको फॉलो कीजिए। मेरी बहन है और मैं इतने साल से 5 साल से मैं भी फॉलो कर ही रही हूँ, फिर भी मैं इनका जो भी रोज नया वीडियो आता है वो देखती रहती हूँ, सबको फॉलो कर फॉरवर्ड करती हूँ, और उसमें से मुझे जो भी अच्छा लगता है, जो नया होता है, जो जानने के लायक होता है, उसको मैं एडॉप्ट करती हूँ, और उससे मैं अपना हेल्थ के जितना मैं हो सके उतना फायदा लेती हूँ जी। वैसे तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, तो आपसे जुड़े हुए जितने भी पेशेंट होते हैं उनको कुछ सलाह दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा टैबलेट खानी अच्छी है या ऐसा भगवान का बनाया हुआ भोजन अमृत खाना चाहिए, या तो फिर ऐसी आप कुछ एडवाइस दीजिए कि पूरे विश्व में अगर किसी को कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या डाइट चेंज करना चाहिए? जो आपने ये 4 महीने से ये डाइट लिया है उसके बारे में कुछ संदेशा दीजिए। ऑपरेशन के बाद में मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि कोई भी ऑपरेशन हो तो उसमें जो पकाया हुआ खाना देते हैं या डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन के बाद पहले 2 चम्मच पानी दो, उसके बाद में आइसक्रीम खिलाना, या फिर उसके आइसक्रीम खाने के बाद वॉमिट ना हो तो फिर पकाया हुआ जो भी रूटीन में खाना हम लोग खाते हैं वही खाना खाने को देने का। लेकिन मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को सबको मैं हाथ जोड़ के ऐसे विनंती करती हूँ कि पकाया हुआ खाना मत खाना ऑपरेशन के बाद, या कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो भी ये खाना खाना है जिससे आपको रिकवरी बहुत ही जल्दी मिलेगी, और घर के सारे सदस्य है वो भी यही खाना खाएगा तो खाना बना के टिफिन लेके दौड़ दौड़ के आने की हॉस्पिटल में वो सब जो झंझट होती है वो भी उसका टाइम बच जाएगा, और अपने जो भी रिलेटिव जो बेड पे है उसको ज्यादा उसके पास बैठने का आपको टाइम मिलेगा। हॉस्पिटल के बाहर जाओ तो कोई भी ऐसे फ्रूट वाला मिल जाएगा तो फ्रूट लेके चले आना और वो फ्रूट खाना खाने के लिए दे देना। तो मैं यही कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ये जो भगवान का बनाया हुआ खाना है वही खाइए जी। मैंने तो ऐसा सुना है कि किसी को कोरोना हो जाता है तो भी 14 दिन तक टिफिन 2 टाइम का पहुंचाना पड़ता है, चाय भी पहुंचानी पड़ती है। ये बात के सख्त खिलाफ हूँ मैं
कि कोई भी पेशेंट हो, चाहे उसको कुछ भी हुआ हो, अंदर से या बाहर से, ऊपर से या नीचे से कुछ भी हुआ हो, उसको जब तक ठीक नहीं होता है तब तक पूरे दिन फल और सलाद और जूस पे रखिए, तो ही पेशेंट को रिकवरी आएगी। मैं तो ये बोलूंगी कि उनसे जुड़े हुए जो भी घर के सदस्य है उनको भी मैक्सिमम यही खाना चाहिए, तो टेंशन ना हो कि पेशेंट कब ठीक होगा या फिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। तो मैं क्या बोलती हूँ आपको कि वो भी बताना जरूरी है कि इसमें ज्यादा खर्च होता है या दवाई में ज्यादा खर्च होता है। वैसे तो दवाई में ही ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि दवाई पेट में जाती है तो फिर से बॉडी के अंदर और कोई ना कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आता ही रहता है। और ये तो जो भगवान ने बनाया है, तो वैसे बोलते हैं कि ये 20 रुपए का 6 केला आता है, तो अपनी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा 6-8 केले की होती है, तो हमारा 30 रुपए में तो डिनर या लंच हो जाता है जी। तो ये तो 18 केले हैं, आप और मैं मिलके दोनों खा लेंगे तो लंच हमारा पूरा हो जाएगा। और जो बाहर ऐसे जो पूरी गुजराती थाली या कोई भी क्यूजिन की थाली लेने जाओ तो 120 रुपए से और 100 रुपए से इतना मिलता है, और उसमें हम इतना खाना खा लेते हैं कि फिर जो हमारा रिकवरी के लिए जो बॉडी का कोई भी पार्ट होता है उसके लिए कोई जगह नहीं रहती है, जो अपनी प्राण शक्ति है वो वहां पे नहीं पहुंचती है, पूरा दिन खाना पचाने में ही चली जाती है। तो यही खाना खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना जो हम खा लेते हैं उसको हजम होने में भी बॉडी का कम टाइम मिलता है, मतलब कि खर्चा भी कम और बॉडी को भी वो जो अपनी शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसका भी खर्चा कम लगता है उसको हजम करने में। ये जो केला है वो ऐसी चीज है कि 365 डे मिलता है, कहीं पे भी मिलता है, पूरे विश्व में मिलता है। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलती हूँ कि सिर्फ केला खाइए, भगवान ने जितने फ्रूट बनाए हैं वो सारे खिलाइए, वो चाहे खट्टे हो या मीठे हो, और सारे के सारे सलाड जिसको जो भी पसंद हो, ककड़ी पसंद है, टमाटर पसंद है, या फिर उनको कैबेज पसंद है, कुछ भी पसंद है तो वो सलाड दीजिए, जो जूस पसंद है वो जूस पीजिए। आपको सबसे अच्छा कौन सा जूस पसंद है? मुझे ग्रीन जूस ज्यादा पसंद है जी। मुझे तो गन्ने का जूस पीने में बहुत मजा आती है। तो आपने ये जो आपने ऑपरेशन करवाया या आप जो डॉक्टर से कंसल्ट करते हो उनके बारे में बताइए, वो कैसे हैं? मैंने मेरी ट्रीटमेंट कराई है, वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर के उर्मुज, ऑर्थो सर्जन, और वो बेस्ट ऑर्थो सर्जन है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे ट्रेनिंग लिए हैं, वो यूके से 25 इयर्स के एक्सपीरियंस करके यहाँ पे आए हैं। जो डॉक्टर केयूर भुज है वो अभी एपिक हॉस्पिटल में अपनी सर्विस दे रहे हैं, और वो स्पेशलिस्ट है स्पोर्ट्स के इंजरी होते हैं उनके लिए, शोल्डर की इंजरी के लिए, स्पाइन की इंजरी और नी के स्पेशलिस्ट है। और हम लोग तो उनको ऐसे 35 साल से जानते हैं, और वो सभी के लिए अच्छे हैं। एनआरआई पेशेंट भी उनके बहुत रहते हैं, और उनकी मतलब कि जो पेशेंट की रिगार्डिंग जो ट्रीटमेंट है, और उसके साथ साथ वो ऐसे रिलेशन में भी इतने रहते हैं कि जैसे कोई अपना घर का सदस्य हो, और इतनी केयर करते हैं, फोन पे भी हमारी पूछ कर लेते हैं कि भाई कैसा है, तबीयत कैसी है, रिकवरी कैसी है। तो और हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, आधी रात को भी हम मैसेज करते हैं तो हमें तुरंत जवाब मिलता है। ऐसे हमारे डॉक्टर के रुच को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार, और मेरे रिकवरी में जितने मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरी लड़की के ससुराल वाले, मतलब कि मेरे जो वैवाहिक पक्ष के जो लोग हैं, मेरा जमाई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये दोनों टाइम के मेरे ये प्रॉब्लम में बहुत ही मेरे काम में आए हैं, मेरी बहुत केयर की है, मुझे बहुत हेल्प किया है। और डॉक्टर झरना का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बार बार मेरे फोन के आंसर देते हैं और मुझे एडवाइस देते हैं कि और आगे मैं क्या करूँ। तो मैं मेरी बहन को बोलूंगी कि सिर्फ 2 महीने का पहले का ऑपरेशन और उसके बाद तुरंत ही दूसरे ऑपरेशन का भी 2 ही महीना हुआ है, तो सिर्फ 2 महीने में कोई इंसान चल के खड़ा भी नहीं रह सकता है, और ये बिना कुछ भी सपोर्ट लिए या फिर कुछ भी हाथ में कुछ भी डंडा लिए बगैर ये चल के भी आपको दिखा देंगे कि इतना बड़ा सर्जरी के बाद कोई इंसान 6 महीने तक चल नहीं सकता है, और ये सिर्फ 2 महीने में आपको चल के भी दिखाएंगे। तो दीदी आप थोड़ा सा चल के दिखाइए जी।
तो मेरी बहन का अनुभव लेके अगर किसी को ये वीडियो काम में आएगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करेंगे कि इनको जितनी रिकवरी हुई है उससे भी आगे बहुत ही जल्दी से ज्यादा रिकवरी आ जाए और इनके पैरों में 100% ठीक हो जाए। ये सब भगवान का बनाया हुआ है, हमारे पास तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो वैसे ही आप सभी दर्शकों, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप सभी लोग सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी हमारी शुभकामनाओं के साथ, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो, मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो, और अगर आपको हमें मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में NDS हेल्थ सेंटर पे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हो। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके ऊपर आप मैसेज करके भी मिल सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, आपका भी खूब खूब थैंक यू कि आपने अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।